मेरी जिंदगी के साथ ऐसी राजनीति क्यों? मेरी मौत के बाद भी राजनीति क्यों? खुद को ताकतवर साबित करने के लिए मुझे क्यों कुचलते हो? आप लोग कैसे इतनी बेशर्मी से उन गुंडों का साथ देते हो जो परंपराएं और मर्यादा के नाम पर लोगों की जान लेते हैं, जिंदगियां बर्बाद करते हैं युवाओं की, खासकर जवान लड़कियों की। क्या हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? आप लोग बड़ा दम भरते हो कि देश की युवा शक्ति देश का भविष्य है, तो फिर क्या हम इस शक्ति का हिस्सा नहीं है? आप लोग उन लोगों की तलवे चाटते हैं जिन्होंने मेरी आवाज दबाई, जिन्होंने मेरा गला घोंटा, और फिर आप लोग दावा करते हैं एक बदलाव का। क्या हुआ है डॉक्टर साहब? बेटा हुआ है ना? माफ करना बिंदरपाल जी, हम आपकी बहू को बचा नहीं सके। बेटा है या बेटी? जी बेटा ही था। था मतलब? हम बच्चे को बचा नहीं पाए। वो हमारे खानदान इकलौता वारिस था। जी खेतों पे जा रहा हूं, तरुणा बुआ ने कही अपने आप आ जाएंगी, लेने जाने की जरूरत ना है। प्रणाम मामा जी। चीती रहे बेटा, चीती रहे। तू जा अंदर जाके सब्जी काट ले, हाँ खाने की तैयारी कर, मैं अभी आती हूँ। जी भैया, क्या बात है, बहुत कमजोर लग रहे हैं। क्या करूं तरुण, हर वक्त बस एक ही चिंता लगी रहती है, क्या कभी मेरे हुक्म को लुगाई मिलेगी, क्या कभी मैं अपने पोते की शकल देख पाऊंगा, कौन बढ़ाएगा हमारे खानदान के नाम को आगे। 27 बरस हो गए तब से आज तक, बस यही एक चिंता है जो खाई जा रही है। भगवान पर भरोसा रखो भैया, ऐसी चिंता करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। रुक रुक, खुदाई तेरे को यहाँ से यहाँ करनी है, और तू भी समझ ले किस तरह करना है, और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, और देखो ऐसे काम नहीं चलने का, और आम पढ़ हाथ चला। नमस्ते भैया। अरे देविका। कैसी है तू? बस ठीक हूँ। सफर बढ़िया रहा? बिल्कुल ठीक था। लीजिए अच्छा खाना खाइए। ये बात तो ठीक है, जब तक बुआ जी और तू घर में है खाना तो बढ़िया ही मिलेगा। अच्छा भैया मैं जरा जल्दी में हूँ, आप खाना खा लीजिए, मुझे ना शाम के लिए सब्जी भी लेनी है। ठीक है, रात को घर पे ही मिलते हैं। जी जी। तू बिंदरपाल जी की भांजी है ना? हाँ। उनकी छोटी बहन तरुणा की बेटी? जी हाँ। क्या नाम है तेरा? देविका। तो मेरा अंदाजा सही निकला, तू बड़ी होकर और भी सुंदर हो गई है। ओ
कैसे आना हुआ? कुछ बात ही ऐसी थी, इसलिए बिना खबर दिए ही चली आई। क्या बात हो गई? मैंने श्याम भाई के लिए एक बहुत अच्छी लड़की देखी है। बहुत बढ़िया खबर है। वो तो कहाँ की है लड़की? मेरे गाँव की है, बहुत सुंदर लड़की है, उसका नाम देविका है। परिवार को जानते हैं उसके? बड़े अच्छे से। आप कहो तो बात चला लूं, आकर मिल लूं एक बार। कुछ रोज के लिए अपने मामा के घर ठहरी है, हो सकता है बात बनी जाए। वो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा भाई। 8 साल से लड़की ढूंढ रहे हैं इसके लिए, मिलती ना। 32 का हो लिया है, तू बात करके देख, बुलाएगी तो आ जाएंगे हम। जी भैया जरूर। भाई साहब आप जैसा ठीक समझे। अरे माने तो ये लागे कि रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। बाऊजी अब तो चाचों के लिए खाना कोई और ही बनाएगी। अरे पगली पहले बात तो पक्की हो जान दे। वैसे एक बार चाचों के हाथ पीले हो जाए ना, फिर आपको खेत में अकेले ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि चाचों को अपनी दुल्हन से फुर्सत ही काम मिलेगी। चल चल चुप कर जा, अब शुरू ना हो। अरे ठीक कह रही है। कुछ ना ठीक कह रही है। शादी के लिए लड़की मिलना मुश्किल। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों की तुलना में सिर्फ 877 महिलाएं हैं। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो कि आर्थिक रूप से बहुत सशक्त है, और पिछले कुछ सालों में अलग अलग क्षेत्रों में हरियाणा की कई लड़कियों ने नाम भी कमाया है, और वो दूसरी लड़कियों के लिए रोल मॉडल्स भी हैं। फिर भी वहाँ आज भी औरतों की आवाज दबी हुई है, और हर जगह सिर्फ पुरुषों का ही साम्राज्य है। बेटा सबके हाथ में चाय दे। पाल जी लड़की बड़ी पसंद है जी हमें। अब आप लोग अपना बताओ जी। जी हमें भी लड़का पसंद है। बहुत खुशी की बात है जी। सही कह रहे हैं आप भैया, बिल्कुल सही। अमर जी आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। जी बिल्कुल जी। अब लड़की तो दे ही रहे हैं, लेन देन की बात भी कर ली जाए। देखो जी हम लोग आप जितने रईस तो ना है, पर दोनों भाई मिलके इतना कमा लेते हैं कि सुख चैन से बस बसर हो जाता है। आपकी बेटी की भी शादी तो नहीं तय हुई है ना? नहीं जी अभी सोच ही रहे हैं, बस रिश्ता ढूंढना शुरू करेंगे। 2 साल पहले मेरी पत्नी गुजर गई, तब से घर का सारा काम वही देखती है। अरे तो घर का ख्याल करने के लिए तो हमारी देविका आपके यहाँ आ ही रही है, अगर सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो। कैसी बात कर रहे हैं मिंदरपाल जी, सब कुछ बढ़िया होगा। और कोई बात करनी हो तो बताओ जी। अमर जी मेरे पास ढेर सारे खेत खलिहान हैं, बहुत सारी जमीन जायदाद है, लेकिन हमें कोई वारिस नहीं है। मेरे बेटे हुकुम की पत्नी बरसों पहले गुजर गई, और उसके साथ ही उसके बच्चे की भी मौत हो गई। तब से हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके लिए कोई लुगाई नहीं ढूंढ पाया। आप अगर राजी हो तो अट्टा सट्टा कर लेते हैं, मेरी बेटी देविका को आप रख लो और अपनी बेटी स्मृति हमें दे दो। मेरे बेटे हुकुम का घर बस जाएगा। वो
बोलो तब तक राजी नहीं होंगे जब तक हम स्मृति को उनके घर देने के लिए हाँ नहीं कह देते। हट्टा सट्टा कर लेते हैं, स्मृति भी अच्छे घर चली जाएगी, इसका भी ब्याह हो लेगा। हाँ ये ठीक रहेगा, सरपंच जी से भी बात कर लेते हैं, पंचों की भी सलाह लेना जरूरी है। बिल्कुल सही है, इसमें गलत क्या है? बस जी मैंने सोचा जी पंचायत की रजामंदी ले ली जाए बस। भाई श्रीवास को तो पंचायत ने पहले से ही मंजूरी दे दी है, अब आप अपनी बेटी उनको दें, उनकी बेटी आप लें, इसी में दोनों परिवारों की भलाई है। ये तो अच्छी बात है, शाम को अपनी लुगाई मिल जाएगी और हुकुम को अपनी लुगाई, ये तो अच्छा सोचा है आपने। तो बात पक्की रही, 20 अप्रैल को बारात लेकर आप हमारे घर आ जाइएगा और महीने भर बाद 27 मई को बारात लेकर हम आपके घर आ जाएंगे। जी बहुत बढ़िया जी, बधाई हो जी आप। आपका भी बहुत बहुत बधाई। स्मृति और देविका दोनों ही सिर्फ 17 साल की थी, नाबालिग थी। देविका जानती थी कि उसकी शादी शाम से हो रही है, लेकिन स्मृति को तो ये तक नहीं पता था कि उसकी शादी तय हो चुकी है और किससे हो रही है, ये बताना तो बहुत दूर की बात थी। किसी ने स्मृति को कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। चाची आपके आने से ना सब अच्छा हो गया और मुझे कोई तो मिला बात करने के लिए। वो सब तो ठीक है पर अकेले में तो मुझे चाची मत बोल। ठीक है चाची चुप। अच्छा एक बात बता, तेरे चाचू को पुदीने की चटनी पसंद है? मैं ना बहुत अच्छी चटनी बनाती हूँ। याद करने दो। अच्छा आप मुझसे चाचू की पसंद ना पसंद जानकर उनका दिल तो नहीं जीतना चाहती? नई नई शादी हुई है ना, उनसे कैसे पूछूं? इतनी शर्म आती है बात करने में? अच्छा और किस किस बात पे शर्म आती है आपको? रात को तो दरवाजा अंदर से बंद कर लेती हूँ। चुप कुछ भी बोलती है, काम कर। चाचू आप ही पुदीने की चटनी चखिए ना, चाची ने खास आपके लिए बनाई है। अच्छी है, बहुत अच्छी है। अगले हफ्ते ला दूंगा, चिंता ना कर। अरे बहू स्मृति को बुलाओ जरा। जी। बिटिया को बता देते हैं कि उसकी शादी होने वाली है। जी बाबू जी। बेटा अगले हफ्ते तेरी शादी होने वाली है 27 तारीख को, तब तक तेरी बुआ भी आ लेंगे, उसके साथ अपने कपड़े और गहने ले आई अपनी पसंद के। चल भाई। अब थारा नंबर है। चाची कौन है वो बताइए ना, चाची कौन है वो? चाचू ने जरूर आपको अकेले में बताया होगा, बताइए ना। उसका नाम नहीं बताऊंगी। चाची अरे चाची रुको ना, चाची चाची बताओ ना, अरे सुनो तो सही, चाची बताओ ना, चाची अरे चाची सुनो ना, बताओ ना चाची कौन है वो? सच बताओ मुझे नहीं पता। चाची बताओ ना कौन है वो, कैसा दिखता है, कहाँ से है? सच्ची पापा मुझे नहीं पता, पर हाँ जो भी हो तू उसके घर जाने की तैयारी कर ले। क्या हुआ सपनों में खो गई? हाँ क्यों ना देखूं सपने। चाची बताइए ना कौन है वो? मुझे सच में नहीं पता, आज ही पता चला तेरे साथ में, और वैसे भी कौन है क्या करता है ये सब ना पता होने में भी ना एक अलग ही मजा होता है। हाँ लेकिन अगर पता हो कि वो दिखता कैसा है तो मैं सपने और अच्छे से देख सकूंगी ना। क्या मुझे सपने देखने का कोई अधिकार नहीं?
ये जानने का अधिकार नहीं कि मैं अपनी जिंदगी किसके साथ बिताने वाली हूँ? इतना भी अधिकार नहीं कि वो जो कोई भी है उसे देखकर मैं शादी के लिए हाँ या ना कर सकूं? मुझे सिर्फ आदेश दिया गया कि मुझे ये शादी करनी पड़ेगी। मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, ज्यादा स्कूल नहीं गई। बड़ी हुई तब से यही सुनती आई हूं कि एक दिन माँ बाबूजी कोई अच्छा घर ढूंढकर मेरी शादी करवा देंगे और मेरे लिए लड़का वही ढूंढेंगे, लेकिन एक ऐसा लड़का जो मुझसे 33 साल बड़ा है। क्यों? नहीं, इधर लगवाना ना ऊपर। मुकेश, उनको लगवा के फटाक से पहले, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है फिर। हेलो, पकड़ो भाई। मैं क्या कह रहा था, बारात थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। अच्छा, तुम इंतजाम करवाओ फटे। हाँ। जीजा जी। अरे भाई, हाल ही है। हाँ, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। जीजा जी, आप दूल्हा कौन है? हुकुम चौधरी। हुकुम चौधरी अपनी देविका है ना, उसको मेरा भाई है। अच्छा, लेकिन ये शादी को अचानक से तय कर लिया, पहले बताया भी नहीं। सब जल्दी जल्दी में हो गया कुलदीप जी। अरे जल्दी करो। अरे क्या कर रही हो, बारात आ गई, जल्दी करो। बहुत सुंदर लग रही हो, चलो जल्दी करो, जल्दी करो। क्या हुआ, धड़कने तेज हो रही है ना? बहुत ज्यादा, ऐसा लगता है मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। चुप, कुछ भी बोलती है। नया नया है इसीलिए दर्द हो रहा, इसको झेलना सीख ले। वैसे हमारी बेटी ने आपके घर को पूरी तरह अपना लिया ना? जी बिल्कुल, गौणे की रस्म के लिए से यहाँ छोड़े जा रहा हूँ।
एक हफ्ते बाद लेने आ जाऊंगा। जैसा आप ठीक समझे जी, आपका ही घर है ये। तेरी कसम स्मृति, मुझे नहीं पता था कि तेरी शादी हुकुम भाई साहब के साथ हो रही है। उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। उन्होंने पिछले हफ्ते हर रात मेरे साथ जबरदस्ती की। मुझे बहुत दर्द होता है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अब मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। कैसी बातें कर रही है तू? पत्नी है तू उनकी, वापस तो तुझे जाना होगा। लेकिन वो बुड्ढे हैं, मैंने ऐसे आदमी के साथ शादी करने के सपने नहीं देखे थे। मैं तेरी तकलीफ समझती हूँ, पर तू ये क्यों भूल रही है कि हम लड़कियां हैं, हमें कोई हक नहीं है ये सब सोचने का। एक बार शादी हो गई तो हो गई। क्या किसी ने मुझे पहले बताया था कि मेरी शादी एक बुड्ढे से होने वाली है? मानती हूँ कि तुझे किसी ने नहीं बताया, पर अगर तुझे पता होता तो भी तू क्या कर लेती? बेटा कुछ तो है ना दूंगा। देख स्मृति, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती, तुझे हुकुम भाई साहब के पास वापस जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं वहां वापस नहीं जा सकती, मैं उस आदमी के साथ नहीं रह सकती। तू समझती क्यों नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मुझे कोई उम्मीद मत रखना। बाहर आओ, हुकुम भाई साहब तुम्हें लेने आए हैं। स्मृति दरवाजा खोलो, हुकुम भाई साहब लेने आए हैं। स्मृति तुम सुन रही हो ना? स्मृति सुनिए, आप जरा दो मिनट के लिए अंदर आइए ना। क्या बात होगी? स्मृति बेटा क्या बात हो गई? बेटा दरवाजा खोल। तुम्हें पता है क्या बात हुई है? स्मृति देख, दरवाजा खोलना तो तोड़ दूंगा फिर मैं। बेटा क्या बात हो गई? बाबूजी मैं वापस नहीं जाऊंगी। क्यों? वो मुझसे उम्र में कितने बड़े हैं, वो हर रात मुझसे जबरदस्ती करते। तेरे पति हैं वो? मुझे इतने बूढ़े पति नहीं चाहिए, वो हर रात मेरे साथ जबरदस्ती करते। मुझे इतना दर्द होता है, मुझसे वो सब बर्दाश्त नहीं होता। कौन? तेरे पति हैं वो, जो मर्जी में आएगा करेंगे, और तेरा काम है सर झुका के उसकी सारी बात मानना। समझ गई? चल। तेरी जगह छोड़ो, मेरा छोड़िए। चल। चाची। स्मृति, और क्या कर रही है तू? स्मृति, स्मृति, देख दरवाजा खोलना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा फिर। स्मृति, स्मृति, तू ऐसा ना कर सकती है, तेरे अपने पति के घर जाना होगा। स्मृति, स्मृति दरवाजा खोल। स्मृति देख, ज्यादा नाटक मत कर, नहीं तो खाद उतर दूंगा तेरी में। खोल दरवाजा। स्मृति के नौटंकी चले। कुछ नहीं दामाद जी, बच्ची है, थोड़ा डर गई थी बस। मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी,
उनसे कह दीजिए कि अपनी उम्र की कोई दूसरी बीवी ढूंढ ले। यो लड़की मारी बेइज्जती करे ना दामाद जी, ऐसी बात ना है जी। दामाद जी माफ कर दीजिए हम लोग को, कल कैसे भी करके इसे मैं आपके घर पहुंचा दूंगा। यो ठीक ना है, वो मारी पत्नी है। मैं माफी मांगता हूँ दामाद जी आपसे, कल तक कैसे भी करके वो आपके घर तक पहुंच जाएगी। चाचू, चाचू। इसी कमरे में बंद रहने दे इसको, बंद कर दे दो दिन खाना पीना, भूखी प्यासी रहेगी, कल ठिकाने आ जाएगी इसकी। कल तक राह देखते हैं, और अगर कल भी घर वापस नहीं आई तो फिर हम ही कोई कदम उठाएंगे। दामाद जी को जुबान दे रखी है, अभी से घर तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों की नाक कट जाएगी। भाई साहब स्मृति बेटा, देख दरवाजा खोल दे। बेटा मने तेरी सारी बात समझ में आ गई है। स्मृति बेटा देख, कल मेरा माथा गरम था बेटा, गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह गया तुझसे, मुझे माफ कर दे बेटा, भूख भी लगी होगी ना तने, तो कुछ ना बोलूंगा, खोल दे बेटा। स्मृति बेटा तू कुछ ना बोलूंगा, खोल दे बेटा। बोल अपने घर जाएगी कि ना जाएगी, बोल। नहीं जाऊंगी मैं। तुम लड़ाती क्यों जाएगी ना, क्यों जाएगी ना, हम जाएंगे महाराज, जो जल्दी करा रखी हमारी है। भाई साहब जो भी हो उसकी परवाह करने की कोई जरूरत ना है, उसको उसके ससुराल तो भेजना ही पड़ेगा, अगर वहां पर भी नाटक करेगी तो उसके ससुराल वाले खुद निपट लेंगे। तो देख रहा ना कैसे जज पड़ गई है। भाई साहब आप कहो तो दो चार लोग को बुला लूं, इसको यहाँ से जबरदस्ती वहाँ उठा के ले जाएंगे। इसकी कोई जरूरत ना है, दो चार दिन यहीं पड़ी रहने दे, ऐसे ही भूख लगेगी ना अपने आप समझ जाएगी। चल चाची, मेरी मदद कर दो ना चाची। तू चुपचाप चली क्यों नहीं जाती यहाँ से, क्या मिलेगा ये सब करके? मैं बाबूजी की मार सह लूंगी, लेकिन उस जानवर को बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं, जो सहना है यही सहूंगी, मारना है तो मार भी दे, लेकिन वापस नहीं जाऊंगी मैं। पर तेरा यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा। तू जीना आसान कहाँ होगा मेरे लिए, वहां जाकर भी तो यही सब सहना पड़ेगा। हमारा और उसका परिवार तो आपके रिश्तेदार हैं गुलाब जी, इससे क्या होता है, रिश्ता अपनी जगह है, हम सब गवाह हैं, हमारे सामने शादी हुई थी, अब स्मृति
हुकुम की पत्नी है। पर वो अड़ियल लड़की तो मानने को तैयार ना है। रीति रिवाज के मुताबिक गौणे पे उसके घर छोड़ने गया था, आने को मना कर रही है, ऊपर से मारी बेइज्जती भी की। अमर अपनी बेटी के साथ इतनी नरमी क्यों दिखा रहा है? राम राम जी। राम राम। यो कौन कह रहा है बेटी के साथ नरमी बरत रहे हम? तो अब तक उसे घसीट के भिंदरपाल जी के घर क्यों नहीं लेकर गए? अब हमने बहुत कोशिश की, बात करने की भी बहुत कोशिश की, पर वो मान ही नहीं रही है। और अब वैसा ही होगा जैसा आप लोग कह रहे हैं, घसीट करके उसको उसके ससुराल ले जाएंगे हम लोग। नहीं, ऐसा मत करो, बात करो उससे, समझाओ उसको, वो अपनी मर्जी से वहां जानी चाहिए। मुझे लगता है बात करने से उसको अकल आ जाएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर देखेंगे क्या करना है। अरे इतना वक्त देने की क्या जरूरत है? सबकी रजामंदी से शादी हुई है, और कोई पत्नी अपने पति से ऐसे बात करे है? मुझे वो लड़की मेरे घर में चाहिए, मेरे घर की बहू है वो। मैंने अपने घर की लड़की देविका अमर के घर दी थी इस समझौते के साथ कि इनके घर की लड़की मेरी बहू बन करके आएगी। अरे जवाब दिया इन्होंने तो मेरे पीछे क्यों हट रहे हैं? अगर स्मृति मेरे घर नहीं आई तो हम देविका को भी वापस ले आएंगे। स्मृति, तू करना क्या चाहती है? मैं वापस नहीं जाऊंगी। क्यों जिद कर रही है? तेरी जिद के वजह से मेरी जिंदगी भी खराब हो जाएगी। हाथ जोड़ती हूँ तेरे, वापस चली जा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। देख स्मृति, खुद पे नहीं तो कम से कम मुझ पे तरस खा ले। अगर तू वापस नहीं गई ना तो मेरे मायके वाले आके मुझे ले जाएंगे। चाची, मेरी यहां से निकलने में मदद कर दो। पागल हो गई है तू? अगर किसी को पता चला ना कि मैंने तेरी मदद की है तो मेरा जीना भी मुश्किल हो जाएगा। स्मृति, मेरी बात समझने की कोशिश कर, तू अपने घर वापस चली जा। ये सब करके ना तुझे कुछ नहीं मिलेगा, हम लड़कियों की बात कौन सुनता है। क्या हुआ जीजा जी? मैंने सुना है कि स्मृति ससुराल जाने से मना कर रही है। अरे हमारे खानदान का नाम मिट्टी मिला रही है लड़की। कहाँ है वो? मैं बात करता हूँ उससे। माजी, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। मामा जी, मेरी मदद कीजिए। मामा जी, मुझे बचा लीजिए। मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं बेटा? मेरे भाऊजी मेरी बात नहीं मानेंगे। मुझे वापस नहीं जाना। देख बेटा, इन लोगों के लिए ये घर की इज्जत का, मान मर्यादा का सवाल है। मुझे खुद शादी के दिन दूल्हे को देख के धक्का लगा था, पर मैं चुप हो गया क्योंकि मुझे पता है ये लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। बाबा जी, मुझे यहाँ से ले चलो। बाबा जी, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे ले चलो ना, मेरी मदद। चुप हो जा, मेरी बात मान ले, भरोसा रख, मैं कुछ करता हूँ। तू अपने पति के घर चले जा, देख देख वहाँ पे तेरी मदद करना मेरे लिए आसान होगा। लेकिन मामा जी, वो लोग मुझे मार डालेंगे। कान खोल के सुन लो, ये हमारा घर है, आप बीच में टांग अड़ाओगे तो कति बर्दाश्त ना करेंगे हम। 17 साल की बच्ची है वो, नाबालिग है अभी। आप ही सोचिए, 50 साल के आदमी के साथ कैसे रहेगी बच्ची? रट्टा सट्टा किया हमने, जुबान दी है, पर जुबान के लिए बेटी की जान लोगे क्या? आपकी सोच अलग है, हमारी अलग है। हमारे परिवार के बीच में ना बोलो तो बेहतर होगा। बस मैं अपनी जुबान देता हूं जी, अपनी बेटी को कल तक का वक्त दूंगा। बस राजी हुई तो ठीक, ना तो घसीट के हुकुम जी के दरवाजे पे ले जाऊंगा मैं। यही सही होगा। इतने दिन बीत गए, लड़की ससुराल जाने को तैयार ही नहीं। आसपास की कच्ची उम्र की लड़कियां देखेगी तो क्या सीखेंगी?
औरतों को इतना सिद्धि होना ठीक नहीं है। उसकी जिद के सामने हम सब झुक गए तो बाकी की लड़कियों के दिमाग खराब हो जाएंगे। लड़कियां हैं ही कितनी लड़कियां, ज्यादातर को तो गर्भ में ही मार दिया जाता है और कुछ को तो पैदा होने के बाद खत्म कर दिया जाता है। बचती हैं मुझ जैसी कुछ लड़कियां जिन्हें आवाज उठाने पर, हुक्म ना मानने पर कुचल दिया जाता है। और कुछ लोग इसे पंचायत कहते हैं, कुछ लोगों के लिए तो ये सामाजिक संस्थाएं हैं और कुछ लोग इनकी तुलना एनजीओ से भी करते हैं, लेकिन दाव पर तो मेरी जिंदगी लगी है। देखो तुमको भी रुकना पड़ेगा, साहब अभी आया नहीं है। साहब मेरी मदद कीजिए, साहब अगर देर होगी वो लोग मुझे मार डालेंगे, साहब मेरी मदद कीजिए। देखो तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं साहब को बुलाता हूँ, अभी अभी तो सुबह हुई, चलो बैठ जाओ। मुझे वहां नहीं जाना साहब। लेकिन तुम्हारी तो उससे शादी हुई है ना? उन्होंने मुझे बिना बताए मेरी शादी एक 50 साल के आदमी के साथ कर दी। मैं अभी 17 साल की हूँ। वो आदमी हर रात मेरे साथ जबरदस्ती करता है। मुझे उसके घर नहीं जाना है साहब। मैं उस आदमी के साथ नहीं रह सकती। ठीक है बेटा, हम तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे, पर क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ जाकर तुम रह सको? नहीं, लेकिन एक मामा जी, वही मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन वो लोग मुझे ढूंढते ढूंढते उनके पास भी चले जाएंगे। साहब पूरी पंचायत आई, इसके बाप और चाचा भी, पति भी है सर। देखिए मैंने कहा रुक जाइए, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए जयसिंह जी, ये ग्राम पंचायत का मामला है, आप इससे दूर रहो। और जो मारी बेटी है, यो मारी बीवी है, मैं इस आदमी के साथ नहीं जाऊंगी। आप लोग लड़की पे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा इंस्पेक्टर साहब, इसके बाबूजी से बातचीत हुई थी, रिश्ता पक्का हुआ था, बाकायदा शादी हुई थी और सभी पंच गवाह हैं। लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया था कि मेरी शादी एक बुड्ढे से होने वाली है। यो मेरी बेटी है और इससे कैसे निपटना मैं देख लूंगा। एक बात समझ लो, इस मामले में पुलिस ना ही आए तो अच्छा है, ये गांव की इज्जत का सवाल है और मेरी इज्जत का भी सवाल है। चौकी में जितने सिपाही है ना, उससे दो गुने गांव वाले बाहर खड़े हैं, और वैसे भी आप भी तो इसी गांव के हो ना। अब बेहतरी किसी में है कि लड़की को हमारे हवाले कर दो, बाकी हम सब देख लेंगे। मुझे इनके साथ मत भेजना साहब। मेरी बात मानो,
अभी इनके साथ चली जाओ, अब ये जो भी कह रहे हैं मान जाओ। साहब ये लोग मुझे मार डालेंगे साहब। कोई कुछ नहीं करे, मैं और ज्यादा फोर्स लेके आऊंगा, अभी तुम इनके साथ जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ना मैं आऊंगा, मुझ पर विश्वास रखो। सर ऐसे जो जय सिंह सर, मुझे और ज्यादा फोर्स की जरूरत है। गांव में एक लड़की की जान को खतरा है सर, गांव वाले और पंच कुछ भी कर सकते हैं। हे बॉस, वो घूम जी के साथ जागी करा जागी। कभी नहीं जाऊंगी। ये लड़की पागल हो गई है। मारी बेइज्जती की है इसने, गांव की हर लड़की इसकी तरह बोलने लगेगी। मैंने खुशी खुशी अपनी बेटी इनको दी थी, ये सोच के कि मेरे बेटे का घर बस जाएगा, मुझे मेरा वारिस मिलेगा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जागी के ना जागी? नहीं, नहीं। इस नादान लड़की के कारण पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। तुझे अपने जिद की कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ चुकानी पड़ेगी। अंदर देखो। क्या देखो? सर वो लोग यहाँ नहीं। साहब साहब मुझे लगता है उन्होंने स्मृति के साथ कुछ कर दिया है। तुझे अपनी जिद की कीमत चुकानी पड़ेगी। स्मृति बेटा, आपने साहब इन लोगों ने बच्ची को मार दिया। आपने अपनी बेटी को मार डाला? किसी ने नहीं मारा इसे, सब इसके कर्मों का फल है। और ये कोई जुर्म नहीं है, हमारे गांव की मान मर्यादा की रक्षा है, गांव की इज्जत की रक्षा है। और इज्जत से बड़ा कुछ ना है, किसी की जान बिना। मैं मरना नहीं चाहती थी, मैं जीना चाहती थी, लेकिन क्या ऐसा हो पाया? किसी को कोई फर्क पड़ा? ये लोग ताकतवर लोग हैं, ये एक पूरे समुदाय को ही नहीं पूरे गांव को मजबूर कर सकते हैं इनके फतवों को मानने के लिए। इतना ही नहीं, इनके इशारों पर ही वोट डाले जाते हैं। किस लिए? जो लोग सत्ता में आगे बढ़ना चाहते हैं वो लोग इनके सामने झुकते हैं, इनकी सोच को और बढ़ावा देते हैं, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। क्या इससे बदलाव की कोई उम्मीद है?
बदलाव के लिए और कितनी मोमबत्तियां जलानी पड़ेंगी। चलिए पैनल्स बिठाइए, डिबेट शुरू कीजिए, ट्वीट करना शुरू कीजिए। हैव अ नाइस इवनिंग। और यहां मेरी जैसी लाखों लड़कियां हर पल मरती रहेंगी। स्मृति के पिता अमर और चाचा श्याम दोनों को हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302, आपराधिक षड्यंत्र के लिए धारा 120B और कॉमन इंटेंशन के लिए धारा 34 के तहत गिरफ्तार किया गया है। स्मृति के मामा कुलदीप वो इकलौते इंसान हैं जो पुलिस के सामने बयान देने आए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो गया है कि स्मृति की मौत गला घोटने से हुई थी। न स्मृति के पिता को, न उसके चाचा को और न ही गांव के किसी आदमी को जरा सा भी अपने किए पर पछतावा है, बल्कि उन्होंने जो हुआ उसका समर्थन किया। कुलदीप ने गांव छोड़ दिया है क्योंकि वहां उनकी जान को खतरा है। सुनवाई की तारीख पर वो अपना बयान दर्ज करवाने आए और फिर वापस चले गए। 2012 में एक सेशन कोर्ट ने स्मृति के पिता और उसके चाचा को उम्र कैद की सजा दी। दोनों ही इस समय सश्रम कारावास की सजा काट रहे हैं। अदालत ने यह महसूस किया कि स्मृति के गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा उन लोगों के लिए एक संदेश होगा जो इस तरह की मान मर्यादा और झूठी इज्जत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा करने से सच में कोई बदलाव आया, कुछ फर्क पड़ा? आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और ये जरूर सोचें कि हम कानून को इतना मजबूत कैसे बना सकते हैं कि जुर्म होने से पहले ही उसे रोका जा सके। सोचिएगा जरूर। जय हिंद।